वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में एक तरफ हिंदू मुस्लिम राजनीति चरम पर है, हिजाब और हलाल पर घमासान मचा हुआ है, मंदिर मस्जिद को लेकर दो पक्षों में विवाद तो रहता ही है, और वहीं अब एएमयू से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एमबीबीएस की क्लास में असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार ने छात्रों को रेप के बारे में बताते हुए हिंदू देवी देवताओं पर विवादित टिप्पणी कर दी है। प्रोफेसर ने पौराणिक कथाओं में बलात्कार की घटनाओं के बारे में कथित तौर पर हिंदू देवी देवताओं का संदर्भ दिया था। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की अपनी पुत्री के साथ संबंधों की बात कही। इसके अलावा इंद्र और भगवान विष्णु के चरित्र पर सवाल भी उठाए। भगवान इंद्र के ऋषि गौतम को धोखा देने और उनकी पत्नी से संबंध बनाने, तुलसी विवाह आदि का जिक्र भी किया। राजा जलंधर की पत्नी से भगवान विष्णु के संबंधों को जोड़ा। इन संदर्भों को उन्होंने रेप से जोड़कर पेश किया तो छात्रों ने उसी दौरान जमकर हंगामा शुरू कर दिया और छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इसकी शिकायत की। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले पर कार्रवाई की और कॉलेज की तरफ से दो सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया। इसके साथ ही तुरंत उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया गया और 24 घंटों के अंदर इसका जवाब भी मांगा, जिसके बाद प्रोफेसर ने माफी भी मांग ली। लेकिन अब खबर यह सामने आ रही है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है। क्लास के दौरान दिए गए प्रेजेंटेशन की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इससे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा था। वहां भगवान राम की पेंटिंग के ऊपर प्रोफेसर ने अपनी और माता सीता की पेंटिंग पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाकर एग्जीबिशन में लगा दी थी। इस पर काफी हंगामा देखने को मिला था। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।